सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको पूरी वीडियो एंड पूरी लुक ना। ये है मेरा पूरा लुक एंड मैं कैसी लग रही हूँ या तो आप मुझे कमेंट में बताना एंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपना पूरा लुक। तो ये है मेरा लुक एंड ये है मेरा बैक लुक। तो लग रहा है ना मेरा लुक बहुत ही प्यारा। तो अच्छे अच्छे भर भर के कमेंट करना क्योंकि मेरा लुक तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताना एंड अब मैं लेके चलूंगी आपको आगे क्योंकि मेरी बात पूरी ख़त्म नहीं होती इसलिए मैं रुक गई थी। अब मेरा मेकअप कैसा हुआ है? हुआ है ना बहुत अच्छा एंड मुझे ना आज का मेरा खुद का लुक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया एंड मुझे रेडी की थी लक्ष्मी लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी तो मैं किसी भी चीज़ का ब्लॉग नहीं बना पाई। बस थोड़े बहुत ब्लॉग बनाई हूँ जो सब मैं आप सबको दिखाऊंगी। बस थोड़े बहुत मोमेंट शेयर करी हूँ मैं आप सबसे क्योंकि बहुत मैं बता नहीं सकती कि मैं क्यों नहीं बनाई, बहुत ही काम थे इसलिए आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें मैं रेडी ज़रूर हुई हूँ एंड मेरा लुक बहुत प्यारा लग रहा है। शायद ब्लॉग में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा जितना सामने से दिख रहा है एंड मुझे मेकअप उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करना मेरे लिए। आप जाने में फोटो क्लिक कराना और आप सबको ब्लॉग मेरा कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताना एंड आगे जो होता है मैं सब आपको दिखाऊंगी एक एक करके। जो भी रिकॉर्ड मैं कर पाती हूँ वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मैं ज़्यादातर तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन थोड़े बहुत करूंगी तो दिखाऊंगी। तो ये हो चुका है, अब मैं जाती हूँ नीचे। उसके बाद होगी हमारी एंट्री, उसके बाद होगा केक कट। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ नीचे। एंड आप सबको मेरी साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बताना एंड मेरा बाल, मेरे बाल के लिए भी कमेंट करना। आपको ब्लॉग में लेना। सो ये है हम दोनों का लुक एंड हम दोनों मैचिंग मैचिंग में कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताना। एंड हम दोनों कैसे लग रहे हैं आप वो भी मुझे कमेंट में बताना एंड सारे लोग मिलकर मुझे एनिवर्सरी का विश भी करना। तो चलिए अब मैं बारी है केक कट करने की। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ। तो अभी टाइम है केक कट करने की। तो केक कट करने से पहले प्रियांशु बोले इन्हें कि ये फूल दे के मुझे प्रपोज करने के लिए और ये मुझे ऐसे ही दे रहे थे। तो मैं बोली नहीं, आज सबके सामने घुटने पे बैठ कर मुझे दीजिए। इनको ऐसे बैठना सुन लोगों के सामने बहुत शर्म आता है। और मैं शादी के टाइम भी बोली थी कि मेरे जयमाला टाइम आप ऐसे झुक जाना फिर मैं माला पहनाऊँगी लेकिन ये नहीं माने थे इसीलिए मैं बोली कि नहीं आज तो आपको झुकना पड़ेगा तो ही मैं आपसे ये फूल लूँगी। तो फिर ये अपने ऐसे घुटने पे बैठ के और ऐसे करके मुझे फूल दिए। तो उसके बाद मैं ली, उसके बाद प्रियांशु बोली कि अभी रुक जाओ इस पोज में थोड़ी सी फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। तो अभी चल रहा था फ़ोटो शूट एंड दे रही थी मैं पोज। सो कैसा लगा आपको ये मेरा ये मोमेंट? एंड इसके बाद होगी अब केक कटिंग एंड इधर से पापा जी हम लोगों पे फूल बरसा रहे थे। तो ये बेस्ट मोमेंट था। बस हम लोग को ज़्यादा अच्छा से तो नहीं किया, जो भी किए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा कैमरा और अब बारी है केक खिलाने की एंड केक कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताना। स्पेशली मैं ऑर्डर देके ये केक बनवाई थी क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप का ही केक चाहिए था, वाइट एंड उस पर रोज। तो केक तो इसलिए मेरा ये ऑर्डर जो मैं देने गई थी तीन पहले और मैं उसके बाद बारी केक खाने की। बुआ मेरे फेस पे केक लगा रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि नहीं मेकअप खराब हो जाएगा क्योंकि मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो लक्ष्मी भी बोल रही थी नहीं आंटी इसका मेकअप में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, इसका पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो फिर बुआ मान गई, बुआ केक नहीं लगाई। उसके बाद हम खिलाए पहले बुआ को केक। बुआ के केक खाने के बाद बुआ इनके साइड चली गई केक खाने और मैं फिर दूसरा केक निकालने लगी कि और लोगों को धीरे धीरे एक एक करके बुलाऊंगी और फिर से केक खिलाऊंगी। और जो भी मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला था वो मुझे पहले ही मिल गया था। तो आप पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखा होगा कि जो भी गिफ्ट था वो पहले दे दिए। और फिर बुआ को ये खिला रहे हैं, इनको बुआ खिला रहे हैं और इनके फेस पे बुआ केक लगा ही दिया। और अब बारी है मैंने मम्मी जी की केक खिलाने के लिए। तो मैं मम्मी जी को बोली कि मम्मी जी अब आप आ जाइए। फिर मम्मी जी आई केक खाने, फिर मम्मी जी खुद खाई मेरे हाथों से, फिर अपने हाथों से मुझे खिलाई।
तो अभी मम्मी जी की केक खिला दी, अब बारी थी और भी केक निकाल रही थी मैं से प्लेट में करके, एंड केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मैं जैसी सोची थी ना केक बनवाने की मैं वैसे ही बनवाई हूँ, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड ये छोटी बुआ जो कि आपको पिछले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो उसके बाद आई छोटी बुआ, तो छोटी बुआ को मैं केक खिला दी, एंड छोटी बुआ भी मेरे फेस में लगाने वाली थी, तो मैं मना कि नहीं बुआ मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना मैं पर्सनली मैं खुद को ही बहुत अच्छी लग रही थी, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपना मेकअप निकालूँ, तो फिर छोटी बुआ मेरे हाथों से खाई, फिर छोटी बुआ खिलाई, उसके बाद छोटी बुआ चली गई। एंड ये है मेरी फ्रेंड रिया जिसकी शादी में मैं गई थी, आप सब देखे होंगे, तो उसके बाद रिया आई, रिया सबसे पहले मुझे केक खिलाई, उसके बाद मैं जीजू को केक खिलाई, एंड फिर रिया को, रिया इनको खिलाई, ये मतलब सब लोग एक दूसरे को केक खिलाए, उसके बाद हुआ थोड़ा सा फोटो शूट। ये लक्ष्मी, ये लक्ष्मी एक दिन पहले आई थी जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं इससे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा अटैच होने का कारण ये है कि ये बहुत ही स्वीट है, इसको ना मतलब एक अलग हमारा बॉन्ड है, पूरी मतलब बहन की जैसी लगती है, हम दोनों का मतलब हर नेचर मैच होता है, हम दोनों बिहार से हैं, तो इसलिए भी शायद हम दोनों ज़्यादा अटैच हैं। तो फिर मैं लक्ष्मी को केक खिलाई, लक्ष्मी मुझे खिलाई, फिर लक्ष्मी को ये बोले कि मुझे भी खिलाओ, तो फिर लक्ष्मी को ये खिलाए, लक्ष्मी इनको खिलाई, ऐसे करके हुआ। उसके बाद क्रिस आया गिफ्ट देने, तो ये क्रिस का गिफ्ट है, फिर हम दोनों क्रिस को मिल के केक खिलाए, उसके बाद हमारी हुई थोड़ी सी फ़ोटो शूट, उसके बाद प्रियांशु के गिफ्ट देने की बारी थी, तो प्रियांशु एक यूनिक से स्टाइल में हम लोगों को गिफ्ट दे रही थी घुटने पे बैठ के, तो एंड प्रियांशु के गिफ्ट लेते हुए भी हम दोनों कर रहे थे फ़ोटो शूट, फिर ये हाथ दे के उठा रहे थे प्रियांशु को, तो उसके बाद मुझे पता नहीं था इसमें क्या गिफ्ट था, गिफ्ट तो मैं पहले ही देख ली थी, प्रियांशु की ट्रॉली खोली थी तो गलती से दिख गया था, तो इसलिए प्रियांशु बोल रही थी कि आप सब पहले बताओ इसमें गैस करके कि इसमें क्या, वजन भारी भारी सा लग रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, तो सबसे पहले बोले कि इसको करती हूँ ओपन, ओपन करने के बाद पता लगेगा कि इसमें क्या है, तो उसे प्रियांशु बोले उससे पहले हम तीनों करवाते हैं फ़ोटो शूट, तो फ़ोटो शूट बहुत ही ज़्यादा कम हुआ, पता नहीं लेट नाइट हो गया था और बाकी लोगों को निकलना था, तो जो भी वो लोग हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो ये हो रहा था हमारा फ़ोटो शूट। उसके बाद करने लगी थी मैं गिफ्ट ओपन, एंड आप सब भी गैस करो कि इस गिफ्ट में क्या हो सकता है, तो इस गिफ्ट में बहुत ही प्यारा सा कप था जिसपे दी एंड जीजू लिखा हुआ था, उसके बाद मैं खुद ही खा रही थी केक, केक ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, तो मैं सोची मैं ही खुद ही खा लेती, तो प्रियांशु बोले कि चलो उससे पहले हम करते हैं फ़ोटो शूट, एंड लाइट प्रॉपर नहीं था तो इसलिए ज़्यादा अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा था, जितना अच्छा हम लोगों का लुक लग रहा था, एंड हम ना सब मिल के मैचिंग पहनने वाले थे, लेकिन सब बोले कि नहीं सब अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, हम ड्रेस कोड रखने वाले थे, लेकिन फिर फ्रेंड सर्कल में सब अलग पहन के आ गए, तो बुआ लोग भी बोले कि नहीं हम लोग अलग पहनेंगे, तो बस हम ये सौम्या और प्रियांशु बस चार ही लोग हम लोग मैचिंग पहने थे। उसके बाद क्रिस की गिफ्ट ना मैं नीचे आके ओपन कर रही थी, तो ये बहुत ही सुंदर वॉच दिया है जो कि मैं आप सबको निकाल के भी दिखाऊंगा, एंड मेरा लुक ना मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है, आप सबको कैसे लग रहा है मुझे बताना, और क्रिस बोल रहा था कि नहीं मेरे सामने ओपन करके देखो आप सबको कैसा लगता है, तो ये गिफ्ट मुझे क्रिस दिया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है। मैं सब लोगों के गिफ्ट तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि पिछले ब्लॉग में है मेरे जितने लोग में साड़ी वगैरह सूट वगैरह कपड़े जो भी लाए जो मेरे पिछले ब्लॉग में है, और ये क्रिस और प्रियांशु का गिफ्ट है, ये लोग अलग से गिफ्ट लेके आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, पता है मुझे ना वो फोटो के बगल मेरे घर के जो मेरे कमरे में घड़ी थी वो टूट गई थी, तो ये लेके आया था, तो इसलिए मैं थैंक यू बोल रही थी क्रिस को, और ये मेरा सा छोटा सा मोमेंट जो मैं रिकॉर्ड की थी बस इतना ही है, बाकी अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब करते हुए जाना, सो मिलते हैं ऐसे ब्लॉग के साथ, सो बाय बाय, गुड नाइट।